हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। आंदोलन के बीच इधर किसानों का आक्रोश दिवस, उधर हरियाणा में NSA के तहत पुलिस लेने लगी एक्शन। आंदोलन के बीच किसानों ने आक्रोश दिवस मनाने का शुक्रवार को फैसला किया है। सरकार से वार्ता विफल रहने के बाद किसानों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान किया है। उधर हरियाणा पुलिस ने यहाँ किसान संगठनों के पदाधिकारियों और आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहली बार चंद्रमा पर अमेरिका की निजी कंपनी ने उतारा लैंडर, IM-1 मिशन का नाम इतिहास में दर्ज। अमेरिका की इंटुएटिव मशीन्स चांद पर IM-1 मिशन लैंड करने वाली पहली कंपनी बन गई है। मिशन के तहत भेजे गए ओडिसियस नाम की US बेस्ड निजी कंपनी के लैंडर ने अपोलो युग के बाद पहली बार चांद पर लैंडिंग का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के CEO ने कहा कि हम सतह पर हैं और ट्रांसमिशन कर रहे हैं, चंद्रमा पर आपका स्वागत है। बता दें कि अभी तक के मिशन सरकारी एजेंसियों के मिशन थे, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 जो हमारा भारत ने भेजा था वो भी एक सरकारी मिशन था। चुनाव आयोग की तरफ से शरद पवार की पार्टी को मिला नया चुनाव चिन्ह तुतारी। चुनाव आयोग की तरफ से शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को नया चुनाव चिन्ह तुतारी मिल गया है। शरद गुट ने कहा कि तुतारी पार्टी के नए युग का प्रतीक है और यह महाराष्ट्र के लोगों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेगा। तुतारी शब्द का सबसे आम अर्थ तुरही है और यह शंख की तरह आकार का होता है और इसमें से तेज आवाज निकलती है। हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई, बजट सत्र में भी नहीं हो सकेंगे शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रांची की PMLA कोर्ट से सोरेन को झटका लगा है। कोर्ट ने बजट सत्र में भाग लेने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई है, उन्हें 7 मार्च तक जेल में ही रहना पड़ेगा। 23 फरवरी को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसी की इनपुट के बाद मिली मंजूरी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा अपग्रेड कर दी गई है, उन्हें अब Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से सिक्योरिटी में इजाफे की मंजूरी मिली है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। SPG कवर के बाद Z+ सुरक्षा उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। DHFL के पूर्व प्रमोटर्स धीरज और कपिल वधावन के बैंक डीमेट खाते होंगे कुर्क, सेबी ने दिया आदेश। DHFL के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन और कपिल वधावन को सेबी से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सेबी ने दोनों भाइयों के बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। दोनों पर 22 लाख रुपए से अधिक के बकाया की वसूली के लिए ये एक्शन लिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर July 2023 में धीरज और कपिल पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। गुजरात में 108 मजारे ध्वस्त, अभी और चलेगा दादा का बुलडोजर, गृह मंत्री का बड़ा बयान। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार ने 108 मजारे गिराकर संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराया है। सरकार मंदिरों को किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे से बचाकर रखेगी। प्रदेश के कोने कोने में बुलडोजर घूम रहा है, कोई नहीं जानता कि यह बुलडोजर कहां जाएगा। साजिश के तहत अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दादा का बुलडोजर हमेशा तैयार है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।